फूड सेफ्टी हजार्ड्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज द प्रिवेंटेशन ऑफ इट। अगर आप फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको फूड सेफ्टी हजार्ड्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर इन फूड सेफ्टी। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी उसी को लाइसेंस देते हैं जो फूड सेफ्टी हजार्ड्स के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय झा है, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। पिछले 20 साल से फूड इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं अपना नॉलेज और एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज को इनहांस कर सके। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। फूड सेफ्टी हजार्ड्स में दो पार्ट है, पहला फूड सेफ्टी और दूसरा हजार्ड्स। सबसे पहले देखते हैं फूड सेफ्टी क्या होता है। फूड सेफ्टी इज अ सेट ऑफ डिसिप्लिन और बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हाइल हैंडलिंग स्टोरेज एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड इन अ वे दैट प्रिवेंट्स फूड बॉर्न इलनेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करते हुए जब हम फूड को हैंडल करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करते हुए जब हम फूड को स्टोर करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करते हुए जब हम फूड को प्रिपेयर करते हैं जिससे फूड से होने वाली बीमारियों को दूर भगाता है, फूड सेफ्टी कहलाता है। हजार्ड्स क्या होता है? हजार्ड्स का मतलब डेंजर या खतरा, ऐसा फूड या ऐसा कंटेमिनेटेड फूड जिसके कंज्यूम करने से आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी सेहत खराब हो सकती है, उसको फूड सेफ्टी हजार्ड्स कहते हैं। इसके तीन पार्ट है। पहला बायोलॉजिकल हजार्ड्स क्या होते हैं? इस ब्रह्मांड में हजारों बैक्टीरिया और वायरसेस मौजूद है, लेकिन सारे बैक्टीरिया क्रिटिकल नहीं होते, सारे बैक्टीरिया डेंजरस नहीं होते। इनफैक्ट कुछ बैक्टीरिया काफी हेल्पफुल होते हैं जो योगर्ट को और चीज को बनाने में हेल्प करते हैं, बट वो बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं पैथोजेंस कहलाते हैं। ये पैथोजेंस क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सूक्ष्म जीव जो दिखता नहीं है बट वो होता है, जिसका प्रेजेंस है हमारे आसपास फैला हुआ है। ऐसे जीव जंतु, ऐसे प्राणी, ऐसे सूक्ष्म जीव जब फूड में शामिल होते हैं बीमारी फैलाते हैं। लेकिन ये फूड में जाता कैसे है? इसके कई सारे रीजन है। जब आप अपने रेस्टोरेंट में प्रॉपर टाइम एंड टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते तो ये फूड में शामिल हो जाता है। जब अपने रेस्टोरेंट में प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रोसेस मेंटेन नहीं करते तब ये फूड में शामिल हो जाता है। प्रॉपर अगर आप हैंड वॉश नहीं करते तो ये फूड में शामिल हो जाता है। क्रॉस कंटामिनेशन की वजह से भी हो सकता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसमिट होके हो सकता है। तो ऐसे कई सारे रीजन है जिससे फूड में आ जाता है। ये बैक्टीरिया के नाम भी बड़े अजीब होते हैं, जैसे इकोलाई, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस, स्टाफिलोकोकस ओरियस, और जब हमारे भी पेट के अंदर जाता है तो एक्टिव होने में टाइम लगता है। कोई बैक्टीरिया तो 2 घंटे लेता है, कोई 2 दिन लेता है, कोई 7 दिन लेता है। तो ये थे बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। इसके बाद आता है केमिकल कंटामिनेशन। केमिकल कंटामिनेशन क्या होता है? आपके रेस्टोरेंट में क्लीनिंग केमिकल्स आते हैं, आपके रेस्टोरेंट में आप पेस्ट कंट्रोल कराते हो, और जब आप फूड एरिया में विदाउट प्रिकॉशन आप जब यूज करते हो उससे आपका केमिकल कंटामिनेशन होता है, विच लीड्स टू फूड बॉर्न इलनेस, और इसी को कहते हैं केमिकल कंटामिनेशन। इसके बाद आता है फिजिकल कंटामिनेशन। फिजिकल कंटामिनेशन क्या होता है? एनी फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बोन, कोई स्टोन हो गया, या कोई हेयर का टुकड़ा हो गया, या कोई ऐसे चीज जो फिजिकली फूड में प्रेजेंट है बट वो अनजाने में कस्टमर को सर्व हो गया है, उसको कहते हैं फिजिकल हजार्ड्स। ये फिजिकल हजार्ड्स फिजिकल कंटामिनेशन के अंदर आता है। तो ये तीन पार्ट है फूड सेफ्टी हजार्ड्स के, बायोलॉजिकल हजार्ड्स, केमिकल हजार्ड्स और फिजिकल हजार्ड्स। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।